दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे बाय बाय चैनल पर। तो अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक सेल में सेल एनवेलप कंप्लीट कर लिया। ठीक, डायरेक्ट आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल हमारी चल रही है। क्या चल रही है? प्रोकैरियोटिक सेल चल रही है। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें तीन टॉपिक टोटल पढ़ने थे। तीनों के नाम क्या थे? सेल एनवेलप, पहला था सेल एनवेलप जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर बाद में मैंने कहा था राइबोसोम और थर्ड मैंने बताया था इंक्लूजन बॉडी। तो हमने क्या किया, ये कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये पढ़ेंगे और ये दोनों आज कंप्लीट कर लेंगे। राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी दोनों हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी दोनों हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो आज है राइबोसोम की बारी। तो राइबोसोम, अगर जो मैं राइबोसोम की बात करूं तो राइबोसोम क्या है? सबसे पहले राइबोसोम, ठीक, यहां पर क्या है राइबोसोम। तो राइबोसोम किससे बना होता है? राइबोसोम इक्वल टू क्या होता है? आरआरएनए। यानी कि राइबोसोम किससे बना था? आरआरएनए। ठीक, राइबोसोम किससे बना होता? आरआरएनए। और दूसरा किससे होता? प्रोटीन से। ठीक, प्लस प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स? एनसीईआरटी, एक बार क्वेश्चन भी एनसीईआरटी, वो मतलब कि नीट का क्वेश्चन था कि किस राइबोसोम जो होता है वो कौन सी प्रोटीन से बनता है। तो 80 टाइप्स की प्रोटीन जो होती उनसे बना होता है। किससे बना होता है? 80 टाइप्स की जो प्रोटीन होती हैं उनसे बनता है। अब हम बात करते हैं कि राइबोसोम टोटल कितने हैं। अगर जो राइबोसोम, देखो आरएनए की अगर जो मैं बात करूं तो आरएनए हमें पता है कि तीन टाइप के पाए जाते हैं। ठीक, आरएनए कितने टाइप के पाए जाते हैं? तीन टाइप के। लेकिन उसकी मैं बाद में करूंगा, उससे पहले मुझे समझाना क्या है राइबोसोम। पढ़ कहां रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक इन प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम्स। ठीक, 70S राइबोसोम्स क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यानी कि 70S दो टाइप के होते हैं राइबोसोम, एक तो 70S का होता है, दूसरा 80S का होता है। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल, अगर जो प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो इसमें 70S टाइप्स का जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। 70S टाइप का राइबोसोम क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अगर जो हर एक राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, क्या होती है? लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट कितने की होती है? 30 की होती है। और लार्जर कितने की होती है? 50 है, 70 वाले की। और इसलिए राइबोसोम इज द साइट ऑफ राइबोसोम को क्या कहते हैं? इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो होता है वो एक स्थान होता है जहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। इसलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। तो अगर जो इसके साइज की बात की जाए 70S टाइप के साइज की, तो जो 70S टाइप का साइज होता है कितना होता है? 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज। ठीक, 70S जो होता है वो 15 बाई 20 नैनोमीटर इन साइज होता है। अगर जो मैं बात करूं तो ये देखो, एक ये हो गया। ठीक, ये क्या है? स्मॉलेस्ट सब यूनिट। ये क्या है? स्मॉलेस्ट सब यूनिट। और ये क्या है? लार्जेस्ट सब यूनिट। तो लार्जेस्ट सब यूनिट कितनी होती है? 50S की होती है। और स्मॉलेस्ट सब यूनिट कितनी की होती है? 30S की होती है। टोटल को जोड़ोगे कितना होगा? 80S। लेकिन मानते कितना है? 70, क्योंकि यहाँ पर मैथ नहीं लगती है भाई, यहाँ पर मैथ का रोल कोई नहीं है। ठीक, 50 और 30 को जोड़ने पर 80 बनता है, लेकिन क्या होता है? 70 मानते हैं। ठीक, साइज कितना है मैंने बताया? 15 बाई, ये कितना हो गया इसका? 15। और ये कितना होता है? 20।
नैनो की जो बात नैना चन है। ठीक, तो ये 15/20 हो गया। ठीक, इसलिए हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस, हेंस इट इज नोन एज प्रोटीन, हेंस इट इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। यानी कि राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, हेंस इट इज नोन एज अ प्रोटीन फैक्ट्री। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अब इसको छोड़ो, अब इसके बाद हम बात करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या हमें पढ़ना है, इतना याद रखना। ठीक, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं था, तो सब नॉर्मल सी बातें मैंने बताई। ठीक, अब अगर जो मैं पूछूं आरआरएनए की, ठीक, आरएनए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आरएनए टोटल कितने होते हैं। टोटल आरएनए 3 होते हैं। पहला क्या होता है, आरआरएनए ले लो। दूसरा क्या होता है, आरआरएनए, फिर एमआरएनए, और फिर क्या होता है, टीआरएनए। ठीक, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, इसे क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। और ये क्या है, मैसेंजर आरएनए, इसे क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। और इसे क्या बोलते हैं, टी से क्या होता है, ट्रांसलेशनल आरएनए, यानी कि ट्रांसलेट करने का काम करता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए। ये क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए। ठीक, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, 3 आरएनए हमें पढ़ने होते हैं। ये 3 हमारे सिलेबस में, तीनों के बारे में हमें जानना है। ठीक, लेकिन मैंने ये सिर्फ पता है टाइप। इस देखो, अब क्या है कि अगर जो ये मैंने क्या बनाया, एमआरएनए, देखो ये क्या है, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर है। एमआरएनए मैसेज लेकर के आया है। अब बहुत सारे राइबोसोम, एक ये हो गया और ये हो गया एक, ये कौन कहां पर हो रही, सब कुछ ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में हो गया। एक ये राइबोसोम और ये बहुत सारे, ये क्या है, दीज आर राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम है। अब अगर जो राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम जब एक एमआरएनए पर क्या होते हैं, चिपके होते हैं या फिर कनेक्टेड होते हैं, ठीक, अटैच होते हैं, कुछ भी बोल दो, एक एमआरएनए से क्या होते हैं, जब बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पॉलीसोम। क्या कहेंगे, पॉलीसोम। और क्या कह सकते हैं, एक तो पॉलीसोम कह सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं हम इसको कहने के लिए, दूसरा वर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं, देखो बहुत सारे राइबोसोम है, यानी कि बहुत, यानी कि पॉली राइबोसोम्स, यानी कि पॉली राइबोसोम्स से हम और क्या कह सकते हैं, पॉली राइबोसोम। ठीक, पॉलीराइबोसोम भी बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, पॉलीराइबोसोम भी बोल सकते हैं या फिर पॉलीसोम भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये पॉलीसोम एंड पॉलीराइबोसोम क्या करते हैं, ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन, क्योंकि यहां पर कोई संदेश आया है। अब ये पॉलीसोम्स एंड पॉलीराइबोसोम्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन। ये एमआरएनए को क्या कर देते हैं, प्रोटीन में ट्रांसलेट कर देते हैं।
कौन? पॉलीसोम्स, यानी कि बहुत सारे राइबोसोम अगर जो एमआरएनए पर क्या हो, अटैच हो, कनेक्टेड हो या फिर जुड़े हो, कुछ भी हो, बहुत सारे राइबोसोम क्या हैं, एक एमआरएनए से कनेक्टेड है, अटैच हैं, तब वो क्या बनाते हैं, पॉलीफॉर्मेशन का, पॉलीसोम का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि बहुत सारे अगर जो राइबोसोम क्या है एमआरएनए पर अटैच, तो पॉलीसोम का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर इसे पॉली राइबोसोम भी बोलते हैं। और ये पॉलीसोम या फिर पॉली राइबोसोम क्या करते हैं, ये एमआरएनए को ट्रांसलेट करते हैं किसमें, इंटू प्रोटीन में। तो ये सब इतना कहां पर हो रहा, सब प्रोकैरियोटिक सेल में हो रहा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में और एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल के लिए राइबोसोम को इतना ही बताया गया, इतना ही मतलब राइबोसोम के बारे में बताया गया। अब हम चलते हैं इंक्लूजन बॉडीज, अब हम क्या चढ़ेंगे, इंक्लूजन बॉडीज। ठीक, तो अगर जो हम इंक्लूजन बॉडीज की बात करें, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इंक्लूजन बॉडी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और ये क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, और ये क्या करते हैं, इंक्लूजन बॉडी। थर्ड टॉपिक क्या है, सेकेंड हो चुका हमारा राइबोसोम था, थर्ड क्या है, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडीज। जो इंक्लूजन बॉडीज होती है क्या होती हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। सबसे पहला एस्टेक क्या है, नॉन मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ये क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है। दूसरी बात ये क्या करते हैं, दिस इज अ स्टोरेज ऑफ, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, ये क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि जो रिजर्व फूड बचा हुआ शेष खाना जो होता है, जितना सेल ने यूज किया बाकी जो रह जाता है वो कौन करता है, उसका स्टोरेज कौन करता है, रिजर्व संरक्षित उसे कौन करता है, रिजर्व माने संरक्षित करना, क्योंकि उसे बचाने का काम कौन करता है, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी स्टोरेज करता है शेष पार्ट का। अगर जो मैं बात करूं तो इंक्लूजन बॉडीज फोर टाइप्स की होती, ठीक, इंक्लूजन बॉडीज फोर टाइप्स, कितने टाइप्स की होती हैं, फोर टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले अगर जो मैं नंबरिंग करूं तो सबसे पहले क्या होती है, देखो टोटल चार होती है। सबसे पहले ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स होती है, पहली क्या होती है ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स, दूसरी फॉस्फेट ग्रैनुल्स, और दूसरी तीसरी क्या होती है साइनोफाइसिन ग्रैनुल्स। पहली क्या मैंने बताया, पहले सबसे पहले मैंने कहा कि फोर टाइप्स के होते हैं इंक्लूजन बॉडी, पहला जो होता है ग्लाइकोजन होता है, दूसरा फॉस्फेट होता है, तीसरा क्या होता है साइनोफाइसिन, क्या होता है साइनोफाइसिन ग्रैनुल्स, ग्रैनल्स बोलो चाहे ग्रैनुल्स बोलो, और चौथा होता है हमारा गैस वैक्यूल, चौथा क्या होता है गैस वैक्यूल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स, ग्रैनुल्स। नंबर टू पर हमारा क्या आता है फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रैनुल्स। और नंबर थर्ड पर क्या आता हमारा है, नंबर थर्ड पर मैंने क्या बताया था, नंबर थर्ड पर मैंने बताया था साइनोफाइसिन, क्या बताया था साइनो, मैंने क्या बताया था साइनोफाइसिन। और अगर जो मैं बात करूं साइनोफाइसिन की, क्या है साइनोफाइसिन ग्रैनुल्स। और अगर जो मैं बात करूं चौथे नंबर की, चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर हमारे पास क्या है गैस वैक्यूल, चौथा नंबर हमारे पास क्या है गैस वैक्यूल। देखो चौथा नंबर हमारे पास क्या है गैस वैक्यूल, मैंने तीन बताया एक इधर बता दिया, क्योंकि इधर थोड़ा इसके बारे में भी हम अगर जो डिस्कस करेंगे, ये कहाँ पाया जाता है फाउंड इन, बात करते हैं इसके फाउंड इन, यानी कि ये प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है इसकी हम बात करते हैं। अगर सबसे पहले अगर जो बात करें, ठीक, प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक, ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सबसे पहले क्या है नंबर एक पर, ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। पहले मैंने क्या बताया, ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कहां क्या पाया जाता है, गैस वैक्यूल प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक, इसी को हम क्या कहते हैं BGA ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, अब इसके बाद हमारे कहा था पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्या आती है पर्पल फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नीचे उतार लेना। ठीक, और हमारी फोर्थ नंबर पर क्या आती है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्या आती है ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हमारी क्या पाई जाती है ब्लू ग्रीन, फिर पर्पल और फिर बाद में ग्रीन। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो गैस वैक्यूल क्या करता है, सबसे पहली बात मैंने कहा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, क्या होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, ये फोर टाइप्स चार प्रकार का होता है, एक तो ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स होता है, फॉस्फेट ग्रैनुल्स होता है, साइनोफाइसिन ग्रैनुल्स होता है, चौथा क्या होता है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल अगर जो देखा जाए कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, सबसे पहले BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होता है पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पर भी प्रेजेंट होता है। देखो इसको रेड मार्क्स कर लो, स्टार यहाँ पर लगा लो, क्योंकि आपको फोटोसिंथेटिक याद रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पर ये कर देगा कीमो फोटोसिंथेटिक, अगर जो वो कीमो फोटोसिंथेटिक कर देगा और आप वहां पर क्वेश्चन टिक कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्या याद रखना फोटोसिंथेटिक नॉट अ कीमो। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया, उसने सब कुछ सेम सेम दिया था ब्लू ग्रीन एल्गी, उसने कहा है सबसे पहले क्या कहा कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, कौन कौन से वैक्यूल पाए जाते हैं, सबसे पहले उसने कहा जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो कहाँ किसमें स्टोरेज होता, तो उसने स्टोरेज के लिए ये ऑप्शन दिए थे। ठीक, स्टोरेज होता है किसमें किसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोरेज होता है ना, नहीं उसने पूछा था गैस वैक्यूल कहाँ किसमें किसमें पाया जाएगा, तो उसने ये तीन ऑप्शन दिए थे और लास्ट में ऑल का ऑप्शन दिया, लेकिन उसमें जो ऑप्शन दिए नन का दिया था, ऑल नहीं नन। ठीक, तो उनमें सब में क्या किया ब्लू ग्रीन एल्गी के को सेम सेम रखा, ब्लू ग्रीन एल्गी पर्पल एंड ग्रीन सबको सेम रखा, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया फोटोसिंथेटिक की जगह पर कीमोसिंथेटिक कर दिया, फिर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिख दिया। ठीक, यहाँ पर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यहाँ पर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सारे बच्चे क्या कर दिए गड़बड़ कर दिए, मतलब ऐसे ही कुछ ऑप्शन बना था। ठीक, मुझे पूरा क्वेश्चन याद नहीं है, तो उसमें आपको टिक लगाना था, आपको ध्यान करके लगाना था, उसमें एक फोटोसिंथेटिक दिया होगा, फोटोसिंथेटिक वाला लगाना था, कीमो वाला नहीं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्टार मार्क कर लो। तो इंक्लूजन बॉडी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल फोर टाइप के होते हैं ग्लाइकोजन फॉस्फेट साइनोफाइसिन गैस वैक्यूल फाउंड इन ये प्रेजेंट होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो अगर जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक में केवल इंक्लूजन बॉडी और राइबोसोम के बारे में बहुत स्मॉल स्मॉल सी बातें बताई गई थी, वो मैंने सारी बता दी, आप एनसीईआरटी खोल करके मिला सकते हैं, आपको ए टू जेड पॉइंट सारे पॉइंट मिल जाएंगे, एक भी कम पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं अपने लेक्चर को एंड करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कहा जो प्रोकैरियोटिक सेल में आता है वो मैंने कहा था मोनेरा किंगडम आता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या आ जाएगा मोनेरा को छोड़ करके जो बाकी के हमारे कितने हैं चार हैं, प्रोटिस्टा। ठीक, पहला क्या है प्रोटिस्टा है, फंगी है, एनिमल एंड प्लांट, चारों हमारे किंगडम कहाँ आएंगे इस यूकैरियोटिक सेल में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।